हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी और उसके अंदर सीखने वाले हम उसके मेकेनिज्म के बारे में उसके डोजेज के बारे में साथ ही उसका क्लासीफिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह को हम डिटेल में समझेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में तो यहाँ पे जो आप टाइटल स्लाइड के अंदर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू जो रेनोलाजिन है कि जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आती है कि जिसकी स्ट्रेंथ है फाइव हंड्रेड एम जी तो वो भी एक एंटी एंजाइनल ड्रग है फिर यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन के सब टैबलेट देख सकते कि जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है फाइज़र का कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग के तौर पे यूज होता है उसी तरह से ये वेरापामिल है लाइक निकोरंडिल है डेल्टी एंड आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट तो ये सभी मेडिकेशन ऐसे क्लास की कैटेगरी में आती है कि जिनको हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग तो अब सीखते हैं डिटेल में ये क्लास के मेडिकेशन के बारे में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ़ अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ यूज करिए फार्मर ऑक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और सबसे पहले समझिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर दोस दैट आर प्रिवेंट एब और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस कि जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं चेस्ट पेन कि एंजाइना पैक्टोरिस की जो एक मेडिकल टर्म है फॉर द चेस्ट पेन और डिसकम्फर्ट ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट डिसीज कि जब किसी को कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है कि जिसको शॉर्ट में कई बार सी एच डी भी कहा जाता है तो ऐसे पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चेस्ट पेन के कि आपके जो चेस्ट का जो रीजन है यहाँ पे काफी पेन सेंसेशन होते हैं तो एंटी एंजाइनल ड्रग ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि ये जब किसी को चेस्ट पेन होता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है साथ उसके जो एपिसोड्स होते हैं उसके जो अलग अलग अटैक्स होते हैं उनको टर्मिनेट करने का काम और साथ एवॉड करने का काम करती है ये क्लास के मेडिकेशंस एंड इट अकर्स वैन द हार्ट मसल्स डजेंट गेट अ मच ब्लड एज दे नीड तो एंजाइना पैक्टोरिस या फिर जो चेस्ट पेन हम कर कहते हैं तो उसके लिए जो एक प्राइमरी रीजन बनता है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और उसके अंदर मेन प्रॉब्लम यह है कि आपके जो हार्ट के जो मसल्स है वो प्रॉपर अमाउंट में उनको जो ब्लड चाहिए वो उनको नहीं मिलता ई टकर हार्ट मसल्स डजेंट गेट एज मच द ब्लड एज दे नीड मतलब कि जितने अमाउंट में हमारे जो हार्ट मसल्स को अपना फंक्शन करने के लिए जो ब्लड चाहिए वो ब्लड प्रॉपर अमाउंट में उनको नहीं मिलता और उन्हीं के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज और उसी का एक सिम्टम है या फिर एक कॉम्प्लीकेशन कहे कि जो चेस्ट पेन एंड एंजाइनापैक्टोरिस होता है तो एंजाइनापैक्टोरिस इज ए पेन सिंड्रोम ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन इन द पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम कि माओकार्डियम का जो रिजियम होता है हमारे हार्ट के अंदर तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है कि हेल्दी हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है या फिर जो हमारे हार्ट की जो आर्ट्रीज होती है वो नॉर्मल कंडीशन में है अब सेकंड डायग्राम के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे ये धीरे धीरे जो है वो ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो रहा है तो उसके कारण क्या होया ये जो वेसल है कि जो ब्लड वेसल है वो धीरे धीरे हो रही है नैरो और नैरो होने के बाद आगे जाके ऐसी कंडीशन आती है कि वो कंप्लीटली तीसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग टू उसको ब्लॉक भी कर सकती है तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग टू ब्लड वेसल हो गई नैरो और तीसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग टू अब कंप्लीटली ब्लॉक हो गई तो उसके कारण क्या होगा कि प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम होता है एंड यहाँ पे जो लिखा है कि इट इज ए पेन सिंड्रोम ड्यू टू इंडक्शन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन इन ए पोर्सन ऑफ द मायोकार्डियम मायोकार्डियम का जो पोर्सन होता है हमारे हार्ट का उसको भी अपने हेल्दी फंक्शन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन और साथ साथ ब्लड अगर ये दोनों की डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी ड्यू टू द ब्लॉकेज या फिर नैरो विंग ऑफ दिस ब्लड वेसल्स की जिसको हम कहते हैं आर्टरीज इसीलिए हम कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज होता है उसी के कारण या फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज जो हम कहते हैं उसी के अंदर आगे जाके ये एंजाइना पैक्टोर इसकी जो चेस्ट पेन का कॉम्प्लिकेशन होता है एंड उसको आइकेमिया भी कहा जाता है बिकॉज जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और अलग अलग न्यूट्रिशंस जो है वो डिजॉल्व होते हैं तो ब्लड जो है वो ये न्यूट्रिशंस के साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की ओर पहुँचाता है सेम लाइक दैट हमारे जो ब्लड के जो हार्ट है उसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स ये ऑक्सीजन एंड ब्लड वगैरह को यूटिलाइज करते हैं अब ये ब्लॉकेज के कारण उनको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता जो डिमांड है उनकी कि जितना उनको ब्लड चाहिए वो नहीं मिलता तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टर होते हैं चेंज होते हैं और वो कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिशीज या फिर उसी के कारण होने वाला कोरोनरी हार्ट डिशीज और उसके कारण जो चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन की जिसको हम कहते हैं कि सीने में दर्द होना आपके ये जो चेस्ट का जो पोर्शन है उसके अंदर काफ़ी दर्द होता है पेन होता है एंड एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड इज अ चेस्ट पेन देयर कट अकर्स इट टू द इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू द हार्ट कि जो हमारे हार्ट को भी अच्छे से हेल्दी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ-साथ जो न्यूट्रिशंस भी चाहिए तो मेन प्राइमरली ऑक्सीजन का खास वहाँ पे पहुँचना जरूरी है तो जब इंबैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन के सप्लाई में और ऑक्सीजन की जो डिमांड है कि जितना हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए वो उसकी हो गई डिमांड अब ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर पाता ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ़ द ब्लॉकेज एंड नैरोग तो जो सप्लाई है वो कम आ रहा है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है और ये इम्बैलेंस आगे जाके जो है वो पेन सेंसेसन प्रोड्यूस करता है आपके सीने में और ये प्रॉब्लम को हम कहते हैं एंजाइना पैक्टोरसन इन एंजाइना देयर इज ए फिक्स एथेरोस्केलरोटिक नैरोग ऑफ द कोरोनर याट्रीज क्या जो हमने वो तीन कंपेरिजन वाले डाइग्राम्स देखे तो पहले आपकी जो आर्टरीज होती थी वो नॉर्मल होती थी पर धीरे धीरे फिर नैरो होने लगी और फिर जो तीसरी कंडीशन होती थी कि कंप्लीटली ब्लॉक होती है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं कि एथेरोस्केलरोटिक नैरोविंग ये होना एक प्राइमरी रीज़न बनता है कोरोनरी आर्टरीज़ का कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारे हार्ट को पहुंचाने का काम कर बिकॉज आर्टरीज जो है वो लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ला के हमारे हार्ट को पहुंचाने का काम करती है और अब ये आर्टरीज ही ब्लॉक होती है नैरो होती है तो जो हार्ट को भी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो सप्लाई कम हो गया उससे इम्बेलेंस हुआ और वो आगे जाके एंजाइना पैक्टोरिस का रीजन बनता है तो ये एंजाइना पैक्टोरिस को जो ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस यूज होते हैं उसको हम कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स तो ये हम कहे तो ऐसे कैटेगरी के मेडिकेशन से कि जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी फॉर द एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी टॉपिक एज वेल एज फॉर द एम सी क्यू क्वेस् वाई वा थियरी और जो जनरल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या फिर जो मेडिसिन रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको भी ये मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मेडिकेशंस एंजाइना के अंदर यूज होते हैं तो नाइट्रेट्स प्राइमरी यूज होते हैं एस्पिरिन का भी यूज़ किया जाता है बीटा ब्लॉकर्स भी रिकमांड किए जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन, रेनोलेजिन जो है कि जिसको रेनेक्सा के नाम से काफ़ी फेमस उसका ब्रांड है और स्टेटिनस तो सीखते हैं सभी को एक अलग अलग तरीके से तो शुरुआत करते हैं नाइट्रेट्स से तो नाइट्रेट्स के अंदर हम कहें कि दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन दिस कैटेगरी कि एंजाइना पैक्टोरिस के अंदर यूज होने वाले मेडिकेशन के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो होते हैं कि एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं कि जिनको चेस्ट पेन का प्रॉब्लम होता है तो वो अपने पॉकेट के अंदर अपने पास ये टैबलेट्स खास रखते हैं कि जिसको सब लिंग टैबलेट कहते हैं कि जिनको जब भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो तुरंत अपनी टंग के नीचे जीप के नीचे ये टैबलेट्स रख देते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है पॉइंट फोर एम जी पर टैबलेट की एक टैबलेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है सिर्फ पॉइंट फोर एम जी की स्ट्रेंथ में तो इतनी कम अमाउंट में भी ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो ये कॉम्प्लिकेशन जब होता है तो उसको कम करने का काम करती है तो ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट की जिसको नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है फिर उसी कैटेगरी में दूसरा मेडिकेशन पड़ता है वो है आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट तो आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो होती है टेन एम जी की डोज में ये टैबलेट अवेलेबल होता है एंड ये सब मेडिकेशन रहती है आर एक्स आरएक्स ओनली का मतलब इसीलिए बिकॉज ये मेडिकेशन प्रॉपर जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कार्डियोलॉजिस्ट है फिजिशियन से उनकी एडवाइस एंड उनके दिए रिकमांड किए डोज के अकॉर्डिंग टू पेशेंट यूज़ करते हैं तो आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट के बाद आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट भी काफ़ी फेमस मेडिकेशन है उसके बाद इरीथ्रीटाइल ट्राइनाइट्रेट पेंटा इरीथ्रीटोल टेट्रानाइट्रेट एमआई नाइट्राइट वग़ैरह जो जितने भी अलग अलग जो नाइट्रेट्स कैटेगरी के, के हम मेडिकेशंस कहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उसमें सब पे टॉप प्रायोरिटी में हम कहें तो फर्स्ट चॉइस रहती है ग्लिसरिन ट्राइनाइट्रेट सेकंड चॉइस फिर बनता है आइसोसोरबाइड और अब ये पेशेंट्स की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू ये दूसरे मेडिकेशंस सिलेक्ट किए जाते हैं फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कि जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के क्लास में भी आते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कि जिसको शॉर्ट में हम सीसी भी कहते हैं तो कौन से ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कि जो यूजली यूज किए जाते हैं टू ट्रीट एंजाइना तो वो है वेरापामिल एंड डिल्टी तो वेरापिल के चार सौ चालीस एम के ये टैबलेट आप देख सकते हैं एंड डिल्टी एज एम के थर्टी एम जी तो ये डाईहाइड्रोपिरीडिन क्लास के मेडिकेशन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर एंड कैन बी यूज इन एंजाइना तो ये दोनों ही प्रीफरेबल है कि जो डाईहाइड्रोपिरीडिन हम कहते हैं बट जो सॉट एक्टिन डाईहाइड्रोपिरीडिन लाइक निफेडिपिन शुड बी एवॉइडेड बिकॉज दिस कैन बी एक्ट सिम्टम ऑफ एंजाइना बाय कोजिंग टैके कार्डिया की निफेडिपिन देने से क्या हो सकता है टैके हो सकता है पेशेंट को तो उसके कारण उसको एवॉइड करने चाहिए कि जिनको एंजाइना है तो गलती से भी निफेडिपिन जो है वो यूज ना करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से सिर्फ वेरापेरल डिल्टियाजम ही यूज होते हैं एंटी एंजाइनल के अंदर बाकी के कैल्शियम के चैनल ब्लॉकर्स वहां पे यूज नहीं होते बिकॉज यहां पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है टैके का फिर बात आती है बीटा ब्लॉकर्स की तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर तीन जो मेन बीटा ब्लॉकर्स की प्रोप्रोनानोल है एटेनोलॉल है एंड मेटाप्रोलॉल तो बाय स्लोविंग द हार्ट रेट बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना अटैक इन पेशेंट विथ एंजाइनापैक्टोरिस तो ये वाले जो मेकेनिज्म है उसके ऊपर ये मेडिकेशंस अपना फंक्शन देते तो ये क्या करती है ये मेडिकेशन प्रोप्रानोलॉल है या फिर एटेनोलॉल है या फिर मेटाप्रोलॉल उनका बेसिक फंक्शन ये रहेगा कि हार्ट रेट है उसको रिड्यूस करेगी अब समझिए कि जब आपके हार्ट रेट रिड्यूस होते हैं थोड़े तो उसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट के वो भी हो जाएगी साथ रिड्यूस दूसरे कारण जो ऑक्सीजन का जो इम्बेलेंस है कि आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण जो सप्लाई कम हो रहा है तो वो सप्लाई को इक्वलाइज uh, करने के अंदर ये हेल्प करेगी कि जितना सप्लाई है उतना ही सामने ऑक्सीजन डिमांड जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड गाइडलाइंस रिकमेंडेड बीटा ब्लॉकर्स एज अ फर्स्ट लाइन इन पेशेंट विथ एंजाइना आइदर ऑन और देर ऑन कॉम्बिनेशन विथ ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो कई बार ये एटेनोलॉल जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन किया जाता है बट प्रॉपर गाइडलाइंस एज वेल एज जो ड्रग ड्रग इंटरक्शन होते हैं उनको फॉलो करने के बाद ही ये कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं तो ये तीन ऑप्शन याद रखे फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का जो क्लास है मेडिकेशन का सॉरी पोटेशियम चैनल ओपनर्स ये खास समझिए कि पोटेशियम जो चैनल होती है उसको ओपन करके ये मेडिकेशन अपना काम करती है तो पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो क्या होता है समझिए कि इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग एंड वाइडनिंग अवर ब्लड वेसल अब ये तब पॉसिबल होता है कि जब हमारे ये जो ब्लड वेसल्स रिलैक्स कब होती है एंड वाइड कब देखिए जब ये ब्लॉकेज के कारण जो ये नैरो हो जाती है तो उनको इस तरह से वाइड करने के लिए एज वेल एज उनको रिलैक्स करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है और ये करती है पोटेशियम चैनल को ओपन और उसी के कारण जो ब्लड uh, वेसल्स जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन में थी उससे रिलैक्स में हो जाएगी और नैरो थी उससे थोड़ी वाइड हो जाती है बीच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू अवर हार्ट अब ये क्या करेगी कि जैसे निकोरडिल है इज द एजेंट दे डायलेशन बाय एक्टिवेटिंग मायोकार्डियल एफ टीपी सेंसिटिव कैल्शियम चैनल अब कैल्शियम चैनल्स ओपन होने के कारण जो पहले मायो कॉन्ट्रेक्शन था वहां पर हो जाएगा अब डायलेसन तो जो कोरोनरी डायलेशन वहाँ पे होगा और कोरोनरी डायलेशन होने के कारण जो इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जब डायलेट होती है तो डायलेट होने का मतलब ये होता है कि वो वेसल्स का रिलैक्स होना और ही साथ, साथ वो वाइड होना तो जब ये रिलैक्स भी होती है वाइड भी होती है तो उनका डायमीटर इंक्रीज होगा और डायमीटर थोड़ा इंक्रीज़ होगा तो ब्लड सप्लाई भी हो जाएगा इंक्रीज और उसके कारण जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो उतना प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड आपकी जो हार्ट है उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द चेस्ट पेन दैट द एंजाइना कोज़ेस के एंजाइना के कारण जो चेस्ट पेन होता है उसको कम करने में रिड्यूस करने में ये मेडिकेशंस हेल्प करते हैं फिर एक ऑप्शन है हमारे पास रेनोलॉजिन का तो रेनोलॉजिन क्या करती है कि बाय रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ कैल्शियम इन टू द सेल अब समझिए जो कैल्शियम है उसका रोल क्या है तो कैल्शियम का मेन रोल होता है सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ये याद रखिए कि फार्माकोलॉजी के अंदर कैल्शियम हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो आप जो देखिए कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी क्या करती है कि ये कैल्शियम के जो रिलीज होते हैं उसको कम करती है कि जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन जो ज़्यादा होता था वो कम करवा के रिलैक्सेसन्स करवाती थी तो रेनोलाजिन जो है वो भी वो ही पाथवे पे काम करती है तो ये समझिए कि बाय रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ कैल्शियम इन द सेल कि ये रेनोलाजिन भी कैल्शियम को जाने से रोकेगा एंड रेनोलाजिन इज थॉट टू हेल्प द हार्ट टू रिलैक्स improving the blood flow to the heart muscles and relieving the symptoms of angina pectoris to isko thoda acche se hum samjhenge to ye aisa kehne ka yahan pe main concept hai ki jab calcium ka jo flow hai वो reduce करने के कारण जो contraction जो है वो धीरे धीरे होगा कम contraction कम होगा तो सामने आपकी जो blood vessels है आपकी जो ब्लड वेसल्स अब होगी डायलेट डायलेट होने के साथ ही साथ वो अब थोड़ी वाइड हो सकती है रिलैक्स हो सकती है और जिसके कारण जब वो वाइड हो डायलेट हो रिलैक्स हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो है वो हो जाएगा इंक्रीज अब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड के साथ रहा ऑक्सीजन भी वहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगा तो हार्ट्स के जो मसल्स हैं उनकी जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाएगी और जिसके कारण एंजाइने के जो सिम्टम्स है उसमें से, उस से पेशेंट को रिलीव मिलेगी और काफ़ी वो रिलैक्स फील करेगा आफ्टर टेकिंग द रेनोलाजिन एक्सटेंडेज रिलीज टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजली 500 हंड्रेड और ये भी आता है कैटेगरी आर एक्स ओनली के अंदर कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्स के साथ ही उसको यूज करें फिर कुछ ऐसे न्यूअर ड्रग्स भी है कि जो एंजाइना के लिए मार्केट uh, में अवेलेबल है जैसे कि इवा ब्राडिन है इज ए न्यू ड्रग फॉर एंजाइना एंड इट इज नॉन एज ए एजेंट एज इट डिक्रीज द हार्ट रेट विदाउट अफेक्टिंग द कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो ये एक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी पॉइंट बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कैसे कौन सी मेडिकेशन है कि जो नो uh, no, जानी जाती है ब्रेडिकार्डिक एजेंट के तौर पे साथ में यूज होता है एंजाइना पैक्टोरिस के ट्रीटमेंट में और वो डिक्रीज करते हैं आपके हार्ट रेट विदाउट अफेक्टिंग द कंडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टलिटी तो वहाँ पे आपके माइंड में एक ही नाम याद आना चाहिए वो है इवाब्राडिन फिर है फैसुडिल तो ये एक ऐसा मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं रॉक इनहिबिटर रॉक इनहिबिटर मतलब कि सिलेक्टिव रो ए रो काइनेस इनहिबिटर जो हम कहते हैं कि इवाब्राडिन हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट्स है फैसुडुल हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट है तो इवाब्राडिन जो हमने देखा कि वो है ब्रेडिकार्डियक एजेंट है उसी तरह से जो फैसुडिल है वो रॉक इनहिबिटर क्लास में आता है तो ये दोनों को मैं हाईलाइट करता हूं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आई पॉइंट कि ब्रेडी एजेंट और वो है इवाब्राडिन और फैसोडिल की जो रोकाइनेस कि जिसको हम रॉक इनहिबिटर भी कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट आई खास आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर ये दोनों नाम जो है वो लिख लीजिए इवा हाइड्रोक्लोराइड की जो स्ट्रेंथ सेवन पॉइंट और ये टेन एम स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होता है आगे समझे कि रॉक क्या है तो रॉक इज एन एंजाइम दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वासो कंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियक रिमोडलिंग अब वासो कंस्ट्रिक्शन करता है मतलब कि रॉक जो एंजाइम है कि जिसको रोक आइनेज एंजाइम हम कहते हैं वो एंजाइम जब मौजूद होगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन होने होगा और जिसके कारण हार्ट के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए अब ये एंजाइम समझो कि आप इनहिबिट करते हैं ब्लॉक करते हैं तो वासो कंस्ट्रक्शन के जगह प्रोड्यूस होगा वासो डायलेशन जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगी डायलेट होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है और ये जान लिया आपने उसके एग्जाम्पल्स डोजेज वगैरह के बारे में तो उसके अलावा जो हम आगे जानते कि जो साइड इफेक्ट्स क्या है ये मेडिकेशन के तो पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है कि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपर हाइपोटेंशन कि जिसके अंदर पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है एंड रिवाइज परसेप्शन ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कि जिसके अंदर मेन पोजिशन के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो पोजिशन कि पोस्टुरल पोजिशन में जब आप होते हैं तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है तो ये एक साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकती है एंटी एंजिनल ड्रग्स के कारण टैके कार्डिया हो सकता है तो कुछ पेशेंट टैके कार्डिया फील करते हैं कुछ लोगों को ब्रेडिकार्डिया भी होता है थ्रोम्बिक हेडेक हो सकता है डिजीनेस हो सकता है फ्लसिंग कि ये जो रेडनेस जैसा ये प्रोड्यूस होता है आपके चिक्स के रीजन पे आपके फेस के ऊपर तो उसको हम फ्लसिंग कहते हैं फिर डिजीनेस हो सकती है एंड फटिक तो ये सब साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के कारण उसके अलावा आप दूसरे साइड इफेक्ट्स देखें तो कॉन्स्टिपेशन होना गैस्ट्रो डिस्टरबेंस डिस्टर्बेंस हेड एक हार्ट फेलियर हाइपोटेंशन नोजिया एंड वॉमिटिंग ये उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं तो ये हमने डिटेल में समझे साइड इफ़ेक्ट्स तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर गेट द लेक्चर पी डी एफ्स की जो भी लेक्चर होते हैं उसके पी डी एफ फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉइड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल आईफोन ऐप एप ऑन एप स्टोर थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट